सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रेहान, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे आप लोगों की इस भागदौड़ भरी दुनिया में और रफ्तार भरी दुनिया में, अगर आपके भी कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपका मोबाइल आपका अगर चोरी हो जाए या गुम हो जाए, तो मान लो जैसे आपका जैसे इतना उदास हो जाओ पूछो। मत। तो दोस्तों, इस टाइम हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये तो हमें समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये फाइंड माई फ़ोन जो इसका एक ऐप है, तो इससे हम अपना मोबाइल जो है कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। बस कुछ ही सेकंड्स में जो अपना जो है ईमेल आईडी और पासवर्ड से ही बस ढूंढ सकते हैं अपना मोबाइल। तो बिना कुछ टाइम गवाए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है ईमेल आईडी और पासवर्ड आपका जो ये याद रख लेना है। तो अभी ईमेल आईडी और पासवर्ड से हमें भी पूरा काम करेंगे। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाने के बाद इस पर सर्च करेंगे फाइंड माई फ़ोन। तो हम सर्च कर देते हैं फाइंड माई फ़ोन, या फिर आप सर्च कर सकते हो फाइंड माई डिवाइस। तो जैसे ये फाइंड माई डिवाइस का जो ऐप है, इसको आप इंस्टॉल कर लेना है। ये 2.2 MB की ऐप है, तो इसको अभी गूगल का ये ऐप है, ऑफिशियल ऐप। तो हर किसी अभी तो मोबाइल पे ये ऐप रहता है, या फिर भी आपका नहीं हो तो आप इंस्टॉल कर लेना और इसको ओपन कर लो। ओपन करने के बाद दोस्तों, जैसे इसमें दो तो दोस्तों पहला जो ऑप्शन है, जो मोबाइल से आपका रजिस्टर है ईमेल आईडी, उससे आप कर सकते हो। जैसे उसका मेरा जैसे पहले से ईमेल है, इसमें बस अपना पासवर्ड जो है अपना डाल देना है। तो हमें भी पासवर्ड को डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे साइन इन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों अभी अलाउ कर देना है इसकी ऐप की जो परमिशंस है। तो दोस्तों देख सकते हो मेरा जो मोबाइल है अभी रियलमी 5 Pro का फ़ोन है, तो ये हमें दिखा रहा है। ये देखो, देख सकते हो दोस्तों 66 पॉइंट इसका जो चार्ज है और कौन सा वाईफाई नेटवर्क के साथ ये कनेक्टेड है वो भी दिखा रहा है। तो दोस्तों एक ऊपर एक SMS आया, फाइंड माई डिवाइस इन ट्राइंग टू लोकेट दिस डिवाइस। तो दोस्तों अभी हम प्ले साउंड पे क्लिक करेंगे। देख सकते हो दोस्तों ये है अपना प्ले साउंड का ऑप्शन, तो इस पे क्लिक करेंगे अपना साउंड बजना चालू हो जाएगा। और देख सकते हो जहाँ पे भी आपका मोबाइल हो ये साउंड प्ले हो जाएगा, तो हम स्टॉप कर देते हैं। तो ऐसे करके आपका डिवाइस अगर घर पे ही हो या किसी दूसरे के पर्सन के पास हो, आपके पास में ही हो, तो ये साउंड प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद जो है आप देख सकते हो इसमें इरेज डाटा का ऑप्शन है और डिवाइस इंफॉर्मेशन भी है। तो इसमें से आप डिवाइस इंफॉर्मेशन लेकर आप पुलिस कंप्लेन भी कर सकते हो या और भी कुछ कर सकते हो। और दोस्तों ये देख सकते हो ये इसका लोकेशन जो है, देख सकते हो कहाँ पे है। तो ये आप ऐसे भी ट्राई करना चाहते हो तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो। तो दोस्तों अभी हम अकाउंट को स्विस अकाउंट पे मतलब लॉग आउट कर देते हैं। और नीचे एक ऑप्शन है साइन इन इन गेस्ट, तो इसका जो है गेस्ट अकाउंट मतलब दूसरे किसी अकाउंट से भी हम देख सकते हैं। तो ये जैसा मेरा और भी एक फ़ोन है, तो ये कहीं दूसरे जगह इसकी ईमेल आईडी में डाल देता हूँ और इसका पासवर्ड एक जो है हम डाल देते हैं। तो जैसे पासवर्ड डालेंगे तो अपना मोबाइल का जो है दूसरे मोबाइल का जो लोकेशन है हमें शो कर जाएगा। तो देख सकते हो दोस्तों ये तो मेरे मोबाइल पे ये कनेक्टेड है, तो इसका आ रहा है। मैं दूसरे फ़ोन का भी दिखा रहा हूँ, देख सकते हो ऊपर दूसरे फ़ोन का भी आइकन है, उस पर क्लिक करते हैं और दूसरे फ़ोन को लोकेट कर सकते हो। तो होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे देखना चाहते हो तो नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन करना। तो थैंक्स, सब्सक्राइब नाउ फॉर वॉचिंग सोशल हेल्थ।